तो वो सी बड़ी कैसे आप गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक कमाल का गेम जो बहुत हॉरर है। तो थोड़ा संभल के रहिए, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए कि गेम हॉरर है और इस गेम को रात में खेलेंगे, मज़ा बहुत आएंगे गाइस। उस गेम का नाम बड़ा ले लेते आपके सामने, उस गेम का नाम है Evil Within One। तो गेम बहुत धमाकेदार है, तो चेकआउट करो और लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का इंट्रो चालू रही, हमारा जो मेन हीरो है शायद लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है ड्राइवर के बाजू में और उसके दो पार्टनर पीछे बैठे हैं। तो फ्लैट अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, जैसे कि एक हवेली में जा रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर हवेली में जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं आइडिया नहीं है, बट देखते हैं कि ऐसा काइज ये हो रहा है कि शायद हम लोग ऐसा प्रूफ है कि वहाँ पर जाना पड़ेगा हम लोग को। तो देखते भी है कहाँ पे लेके जाते हैं, हमको मतलब मिल चुकी है कि हमें वहाँ पे जाना है। तो जैसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है, जैसे हम लोग डिसबैलेंस हो चुका है, तो फिलहाल हम लोग को देखते कहाँ पहुँचते हैं। फिलहाल ये जो लेडी थोड़ा चुपचाप दिख रही है, बताए कि क्या है क्या नहीं, इंटरव्यू होने देते हैं, देखते धीरे धीरे क्या होता है, पूरी स्टोरी सुनते हैं हम लोग इसकी कि क्या होने वाला और क्या नहीं, उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो फिलहाल शायद शायद हम लोग एक महल के पास पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग बहुत खूबसूरत महल दिख रहा है। उधर हम लोग को अंदर एंटर करने का है, इधर भी बहुत सारे पूरा सन्नाटा छाया है, पहले से ही गाड़ी आ चुकी है पुलिस की बहुत सारी, पर फिलहाल कोई दिख तो नहीं रहा उसके अंदर, गाड़ी तो बहुत सारी अच्छी बट अंदर कोई दिख नहीं रहा है। तो हम लोग फिलहाल गेट भी ओपन है, तो एंटर तो मार चुके हम लोग अंदर। तो हम लोग का ड्राइवर है जो शायद कल्टी मार चुकी है, जो कल्टी मारेंगे ऐसे, तो ड्राइवर तो निकल लेंगे। अरे वही पुलिस वाला, मैं हमारा टैक्सी ड्राइवर, सॉरी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पुलिस वाला था वो जो अपना ड्राइवर था, तो हम लोग पहुंच चुके इधर, हम लोग सब एजेंट लोग हैं, तो तीन जने हम लोग देखते छानबीन करते इधर क्या है और क्या नहीं मिलते इसके अंदर। तो फिलहाल हम अभी आगे चल रहे, यहाँ से हम लोग गेम स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी हम आज वो देखते हैं कि कुछ मिलता नहीं मिलता, हर जगह पुलिस की गाड़ी खड़ी, बट एक भी पुलिस वाला बंदा यहाँ पे दिख नहीं रहा हम लोग आई सबको, तो मेरे मार तो नहीं दिया, बट फिर हम लोग देखते आगे प्रॉपर चले। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा स्लो भाग रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि शायद इसका मोशन ऐसे ही स्लो है, आगे चले थोड़ा फास्ट मोशन, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लो ही चलता है। फिलहाल हम लोग देखते कुछ आजू बाजू मिल तो नहीं रहा है, तो चल के देखते हैं आगे। पुलिस की गाड़ी है जो बंद पड़ी है, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस देखते हैं जाके, लेकिन अभी तो फिलहाल दूर हम लोग। तो ओ माय गॉड, पूरी बारिश पूरी है, पूरा का पूरा बाजार सूरज को ढक गया है। तो थोड़ा सा बस जाके देखते हैं हम लोग, हम लोग को कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है, अंदर कोई है भी या नहीं है, किसी गैस उम्मीद सबको मार दिए। ओके, तो जैसे हम लोग थोड़ा सा बस पहुँच रहे हैं अभी, थोड़ी थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, जैसे कि ये जो पुराना किला रहता है उसी तरह ये किला भी बना हुआ है, इसके बाद करी आवाज़ खुलती है। तो ओके, तो दरवाजे को हम लोगों ने दिया है धक्का, तो दरवाज़ा ओपन हो चुका है, पर थोड़ी सी प्लेट की कू मार रही है, जैसे कि हर जगह कोनी कोनी, बट अभी हम लोग को पता नहीं कि इसके अंदर कुछ है भी या नहीं। तो हम लोग का पार्टनर आ चुका है, तो थोड़ा सा इधर भी वीडियो चलेगा इसका। फिलहाल पहला हम लोग का पार्टनर गया, उसके बाद हम लोग एंटर मारेंगे। देखिए जैसे कि बू मार रही थी ना, तो शायद वो ब्लड ही है जो उसकी ही बू मार रही थी, कौन कौन बहुत सारी जगह मर चुके हैं। तो हम लोग पार्टनर रही है, शायद हर जगह लाशें लाशें पड़े हैं, उसको हम लोग ने बैकअप लग गया, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो शायद हम लोग को भागते भागते आए और हम लोग को बचाए। ओके, तो चारों तरफ लाशें लाशें पड़ी हुई है, कुछ दिख तो नहीं रहा है बराबर से, क्योंकि हर जगह कोने कोने किसी के मुंडे पचके हुए है और किसी के दाँतें निकले हुए। तो फिलहाल देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। ओके, तो आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग कोई जिंदा भी है या नहीं। एक बंदा जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है, शायद वो अरे यार यहाँ पर, अरे यार चलो सबके अतरे अतरे सब निकले। ओके, तो ये बंदा साथ बैठा है, शायद ये लाइव हो या मर चुका हो, आई डोंट नो, बट फिर भी अरे यार ये तो वो लुढ़क गया, ये हॉस्पिटल जैसा लग रहा है यार, लेकिन हर जगह मर चुके भाई, हॉस्पिटल है ये मेरे को लग रहा। ओके, तो ये काउंटर, अरे काउंटर पे, अरे गाइस ये हॉस्पिटल था, ये देखो नर्स बैठे हम लोग महल समझे। ओके, तो हम लोग का पार्टनर ने किसी को ढूंढ लिया है जो
अंदर लेटा हुआ है, शायद उसके अंदर थोड़ी सी जिंदगी बची है, लाइव है थोड़ी सी। तो ओके, तो ये शायद एक डॉक्टर है जो हमें शायद सारी सारी कहानी बताई कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। Can't be real. Impossible. तो हम लोग बता रहे हो, तो जाके देखते हैं कि वीडियो में कुछ है भी या नहीं। तो ये शायद टपक जाएगा बेचारा, शायद टपक गया बेचारा। तो बात नहीं, हम लोग को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया उसने कि हम लोग जांच कर सके कि क्या हो रहा है इधर, क्या चल रहा है। तो जाके देखते हैं हम लोग उस कैमरे में, उस वीडियो में कि कुछ मिलता है भी या नहीं है। तो चालू करते होते हमने वीडियो, तो सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा था और क्या नहीं चल रहा था, कि कौन मारा है ये सब, कोई ज़ॉम्बी मारा है या कोई भूत मारा है, आई डोंट नो। बट हम लोग को देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या। ओके, तो ये सब जो यहाँ के एम्प्लॉयज है जो भाग रहे हैं, बट किससे डर के भाग रहे हैं ये पता नहीं। तो ओके, तो ये पुलिस वाले हैं यहाँ के, वो गार्ड हैं जो गोली चला रहे, बट किसके ऊपर। और अरे अरे तो माँ, क्यों स्पीड में आया यार वो। गाइस वो टपक चुका है यार, अपन उसने सबको मार चुका है, तो शायद वो। अरे इसकी माँ, डायरेक्ट हम लोग के पीछे आ गया गाइस यार, डायरेक्ट पीछे। बट हम लोग जिंदा है अभी, लाइफ तो है इसके अंदर। देखिए हमारा हाथ पैर तो थोड़े, अरे यार चूहा कहाँ से आ गया बंदा है। पर यार हम लोग, ये शायद हमारा ही खून है जो ब्लेड है जो टपक रहा है इसके अंदर से। हम लोग सीधे या उल्टे पता नहीं यार, और किसी की चटनी बना के रखा है इसने यार। ओके, तो हमें कोई हिलता हुआ दिख रहा है, तो लटक रहा है ये शायद फोन हमारे ही है। अरे यार शिट गाइस, हम लोग को उल्टा लटका के रखा। अरे अरे वहाँ का, अरे ये कौन शैतान का बच्चा है, इसके सर के अंदर खंजर घुसा हुआ है। अरे खंजर किसी और के बॉडी में घुसा है, इसके सर के अंदर मशीन का खंजर घुसा हुआ है। इसको मरने की एक्टिंग करना पड़ेगा, ना तो हमें ना मार देगा इसे। ओके, तो शायद जा रहे तो उसको सुलंग में जान देते कि इसको कुछ करते नहीं, हम उस रहते लेटर थे। वो जाने के बाद हम लोग कुछ करेंगे, शायद हम लोग को यहाँ पे हथियार मिल जाए। सामने यार लेटर है, मेरा साथी है, कौन है पता नहीं, बट मर चुका है। दो पार्टनर थे मेरे, एक बैकअप के लिए और एक साथ में था, बट क्या पता क्या हो रहा है यार, तो समझ नहीं आ रहा है। मर भी गया, जिंदा है। ओके, तो ओके आओ, तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा चाकू। तो फटाफट चाकू लेके देखते हैं मिलती है भी क्या नहीं। तो बहुत भारी भाई चाकू मिल चुकी है, कपड़ा से काट के देखते हम लोग और नीचे उतरते। कुछ तो नीचे तो उतर चुका हूँ, सारा कमर पे बहुत जबरदस्त लगी बेटा। ओके, तो नीचे उतर चुका, हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि शायद वो सुन ना ले आवा तो हम लोग को मार ना डाले। गन तो है ही नहीं मेरे पास, शायद गन निकल गया। सब जगह लाशें लाशें टंगी हुई है बकरी की खाल के अंदर। आगे तो सारा सामने ही बैठा यार। ओके गाइस, तो हमें संभल के जाना पड़ेगा, ना तो हमें को मार ना डालो। समय समय पर निकलना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना भी पड़ेगा और निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ता में नहीं पता कि हर जगह लासी लासी है। फिलहाल हम लोग आराम से निकलते इसको, ओके तो बैठ के इधर बता रहे हैं। तो हम लोग को आराम से निकलना पड़ेगा, अगर उसको आठ हम लोग की सुन ली उसने तो हम लोग को शायद टपका दे, इसलिए तो थोड़ा स्लो स्लो निकल के देखते। वो कुछ कुल्हाड़ी की तरह काट के वजयगिरी कर रहा है, वो खेमा बना रहा है किसी इंसान का ही है, बस हमारा पार्टनर ना बेचारा यार। ये तो उसको जान देते हैं और फिर जाके देखते हैं वहाँ पे कुछ हमें मिलता है क्या नहीं मिलता भागने के लिए, शायद कुछ गन भी मिल जाए। ओके, तो आराम आराम से निकलते हैं, उसको पहले अंदर जान देते हैं। ओके, तो हम लोग जाते हैं और देखते कुछ मिलता भी है कि नहीं। आराम आराम से हर जगह खून की नदी भरी है, पूरा फ्लोर पूरा खून ही पूरा रेड रेड से बिछा हुआ है। अरे यार इसमें तो उसने कचुम्बर बना दिया पता नहीं किसका है। ओके, तो उसे चाबी है गाइस, तो ये शायद किसी चीज है गाइस, किसी दरवाजे की चाबी है। हम लोग उसको उठा के वो फटाक से निकल लेते हैं, नहीं तो वो आना जाए, और जब वो आएंगे तो हमारे खटिया खटी कर देंगे। तो हम लोग आराम से निकलते, फिर देखते आज जो कुछ और चीज़ मिलती भी है या नहीं मिलती मारने के लिए उसको, भी प्रोटेक्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए जी। अरे सर आ गया इसकी माँ का, पक पक, अरे भक, अरे कसम तो लेफ्ट हैंड पकड़ लिया उसने यार। उठना उठना, अरे तुम गड़गना ही लग कर दिया यार मेरे गर्दन से, सलाम आ जाएगा। फिर से ट्राई करेंगे एक बार आराम से, तो देखते हैं लाश मिल रही है कोई बात नहीं। उसको आप इसको अंदर जान देंगे आराम से और थोड़ा वेट करेंगे और फटाक से निकलना पड़ेगा वहाँ से। अगर हम लोग फटाक से नहीं निकले तो आया टपक जाएंगे हम।
होगी तो उसको जान देते गाइस हम लोग। अगर वो चली गई फटाक से तो फिर सही है, नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए ओके, तो वो जा रहे धीरे धीरे देखते हैं। ओके वो चली है, अभी हम लोग फटाक से निकलते हैं और फटाक से चीज लेके भागते हैं कि शायद हम बच सके, नहीं तो फिर वो हमें मारना डर हमें सारा। ओके तो फटाक से चीज वो तो मैंने चीज लिया होगा इसमें, तो फटाक से देखते हम लोग की चीज तो ले चुका हूँ। अभी यहाँ से अगर चुप से निकलना पड़ेगा तो कभी वो सुन लिया तो फिर हमें मार देगा। स्लो स्लो करके निकलते हैं, देखो इधर भी खीमा पड़ा हुआ है उसका यार। ओके तो हम लोग चीज लेके निकल चुके हैं, हम लोग फटाक से डोर ढूंढना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। किधर डोर है ये भी बहुत मुश्किल है, बट देखते कुछ। ओके तो हमें डोर मिल चुका है फटाक से, तो क्लैप करके खोलते फटाफट चीज घुसा अंदर और हम लोगों ने खोल लिया सिंपल। दरवाजा तो खुल चुका बट इसके पीछे क्या है, शैतान है या कोई और है? देखते रहिए। ओके तो हम लोग आराम से खोलते दरवाजा, उफ इसकी वजह सीढ़ी है, हम लोग ऊपर जाएंगे शायद हमें इस बार तो कुछ हथियार मिले यार मारने के लिए उसको। ओके तो फिलहाल इधर कुछ दिख तो नहीं रहा है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई हमारे पीछे ना आए और आराम आराम से यहाँ से भी गुजर जाएंगे। ओके कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा है थोड़ा गेम में, तो जैसे ये हॉरर गेम में तो अंधेरा तो रहेंगे ही, देखते हैं। ओह माय गॉड, इधर भी कुछ नहीं है तो इधर आराम से गुजरना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे वो सारे शैतान ने सुन लिया तो वो साला भाग भाग के वापस आ जाएंगे। तो देखते हैं इधर क्या है और क्या नहीं है, आज बाजू कुछ मिल नहीं रहा हम लोग को, शायद उस सामने के दरवाजे के अंदर ही हमें जाना पड़ेगा। शायद दरवाजे के अंदर कुछ हो जाए, कुछ अच्छी चीज हो, अच्छी की उम्मीद रखो यार। अरे इसकी माँ कहीं का तो नहीं यार, सारा ने जाल बिछा के रखा है, बंडा जो भी दरवाजे के पास जाएंगे वो हमें टपका देंगे बस। अरे यार शैतान का बच्चा आ गया यार, कसम से भाग 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 भाई मेरे भाग। अच्छा चलिए चलिए, अरे यार शी साला ने जाल बिछा के रखा था गाइस हम लोग के नीचे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना बंडा तो वो रस्सी मेरे पैर को टकरा गया, हमें बहुत तेज भागना पड़ेगा ना तो हम लोग टपक ना जाए यार। शी सामने दरवाजे फटाक से दरवाजे के पीछे ना कुछ निकले यार, नहीं तो गेम बच जाएगा। ये तो ओपन गया तो ओ कोई बात नहीं, सब साफ सब साफ है। अरे इसकी टांग पे मार दिया हमें यार, मेरी एक तो पहले स्लो भाग रहा था मैं और ऊपर से इसने टांग पे मार दिया है। ये क्या चालू कर रहा है? अरे इसकी गेट गेट बंद कर दिया। अरे बाप रे बाप, गाइस देखा आपने किस तरह खतरनाक था यार, साले ने वो चालू किया पूरा पूरा का पूरा गाइस खंजर ही खंजर था। गाइस यहाँ पे हम लोग इसको एंड करते हैं, पता नहीं अब हम लोग वहां से निकल पाएंगे भी कि नहीं पाएंगे, क्योंकि हर तरफ से खंजर ही खंजर आ रहे हैं, इधर भी उधर भी खंजर है, तलवारें हैं, उसके बीच में निकलना, ऊपर से वो सारे शैतान ने हमें टांग पे भी वार किया है, अब हम लोग को पीछा करते भी नहीं करते पता नहीं। तो आगे अगर नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिए द इविल वेटिंग 1 का, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बहुत जल्दी गाइस। तो चेकआउट करना और इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल रेंज सोल गेमर को। तो जब तक के लिए बाय बाय।